जय माता दी, जय माँ काली, राधे राधे। मैं श्वेता शक्ति, सबसे पहला मेरे गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी? आज मैं आई हूँ आप सभी के लिए आपके ही क्वेश्चन का आंसर लेके। क्वेश्चन था व्हाट इज कॉलिंग, ठीक है। कॉलिंग क्या है? कॉलिंग यानी बार बार एक ही दिशा की तरफ हम आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हम उस तरफ आगे नहीं बढ़े, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ कॉलिंग, इट वोंट स्टॉप कॉलिंग यू। यानी आप जिस उद्देश्य से इस भूमि पर आए हैं, यानी मृत्यु लोक में आए हैं, ठीक है, अगर आपके आने से पहले आपको आपके ईष्ट ने या डिवाइन बीइंग्स ने कुछ कार्य दिया है, जब तक आप वो कार्य नहीं कर लेते, आपका काम इस धरती पे पूरा नहीं होता। और कई बार वो काम करने के लिए आपको एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन तीन चार चार जन्म लेने पड़ते हैं और वो कार्य आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ कॉलिंग, इट वोंट स्टॉप कॉलिंग यू, येट नो मैटर हाउ बिग इम्पॉर्टेंट द विजन इज, देयर इज नो प्रेशर। देखना, जब भी कोई कॉलिंग होती है, यानी आप जिस पर्पस की वजह से इस दुनिया में आए हैं, कई बार आपको लगता है कि वो इतना बड़ा नहीं है और हम एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं, ठीक है, कि ठीक है एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बट ऐसा होगा, सिचुएशंस ऐसी आएगी कि आप एक नॉर्मल लाइफ छोड़कर बार बार उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों की स्पिरिचुअल कॉलिंग्स होती है, ठीक है, ये वीडियो खास करके लिए उनके लिए जिन लोगों की स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है, ठीक है। टेक अवेयरनेस टू योर हार्ट एंड कंसिडर व्हाट द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इज राइट नाउ। जब भी ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में होता है, यू हैव टू डिसाइड कि आपकी जिंदगी में बेस्ट स्टेप क्या होगा उस तरफ आगे बढ़ने के लिए। कई बार जब भी हम लोगों को कोई कॉलिंग होती है, ठीक है, हमारे पर्पस की तरफ, तो बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आएंगे, एक ब्लॉकेज, दो ब्लॉकेज, हमें ऐसा लगेगा कि हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लोग हमारे हाथ रोक रहे हैं और हम उस वक्त बहुत खुद को असहाय सा महसूस करते हैं, ठीक है। बट वही टाइम होता है कि आपको करेज लेना होता है, ये पूरा एक ब्रेक थ्रू का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को तोड़कर आपको बाहर निकलना होता है ना, दुनिया की सारी उन बंधनों को तोड़कर जब आप मुक्त होते हैं, तभी जाकर आप अपनी जिंदगी के पर्पस में आगे बढ़ पाते हैं। एनी प्रोग्रेस इन लाइफ इज स्टेप बाय स्टेप, ओके। यू हैव एबिलिटी टू शाइन बट ऑन टाइम, इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सो नेवर स्टॉप, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देयर विल बी मैनी सच सिचुएशंस और केसेस दैट विल ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट वैन इट्स अ कॉलिंग, यू विल अगेन एंड अगेन रीच टू सेम सिचुएशन और सेम काइंड ऑफ एपिसोड्स। जब भी कॉलिंग होती है तो आप नोटिस करना, आप उसी तरीके के सिचुएशंस में और एपिसोड्स में बार बार फंस रहे होते हैं, ठीक है, लाइक नियर टू दैट एक्सपीरियंस होना, या घर में अगेन एंड अगेन ऐसी सिचुएशंस आना और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। इट्स अ कॉलिंग बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा है आपका लाइफ पर्पज आपसे, ठीक है। नेक्स्ट टू इट, जब आपकी कॉलिंग्स है तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ कॉलिंग, नो दैट इट इज इनएविटेबल, इट्स ऑल अबाउट फॉलिंग इन लव विद द प्रोसेस, इट इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट द जर्नी, ओके, इट्स ऑल अबाउट अनफोल्डिंग द डिवाइन जर्नी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कॉलिंग्स होती है तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं एंड वी फील के अब ये मुझसे नहीं होगा। इस सिचुएशन में कई बार हम गिव अप भी करने का सोचते हैं, बट आप गिव अप नहीं कर पाओगे, है ना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको लगता है नहीं अब मैं गिव अप कर दूं, बट समहाउ कोई एकदम से ज़िंदगी में आता है, दे आर योर सोल फैमिली और सोल ट्राइब्स, वो आते हैं, वो आपका हाथ पकड़ते हैं
और आपको सिचुएशन से बाहर ले जाते हैं, है ना। तो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यू नो दिस जर्नी ऑफ योर कॉलिंग टूवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, एंड जब भी यू गो थ्रू सच सिचुएशंस, बिलीव मी देयर इज अ डिवाइन एनर्जी। जैसे मैं मानती हूँ कि मेरे साथ मेरी ईष्ट माँ काली, मेरे कुल देवी का साथ मेरे साथ हमेशा है। मैंने इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से ट्रस्ट किया है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। अगर श्वेता कर सकती है, श्वेता शक्ति बन सकती है, तो आप क्यों नहीं। ये मैं हमेशा से कहती हूँ मेरे हर उन बच्चों को, मेरे हर उस फॉलोवर को जो मेरे पेज पर मुझे फॉलो कर रहे हैं। जय माता दी, जय माँ काली। मैं श्वेता शक्ति, पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा बहुत सारा प्यार मेरे सखा को श्री हरि को। टेक केयर, गॉड ब्लेस। अभी के लिए मैं आप सभी से कहती हूँ सायनारा।